डीएम दिल्ली जाने से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे कड़वे डाकू और मीठे डाकू, और इन दोनों फर्क क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले शुरू में तो आपको पता है, पुराने जमाने में तो चोरियां वगैरह होती ही हुआ करती थी, और ये डाकू वगैरह ज़रा कम ही होते थे, और चोर जो है बेचारे को इंतज़ार करना पड़ता रात का, रात 1-2 बजे बजेंगे तो मैं जाके चोरी वोरी करूँगा। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, तरक्की हो गई है दुनिया में, तो वो इंतज़ार नहीं करते, बल्कि उन्होंने उसको और डाकू बन गए, वो डाका डालने लग गए दिन भर में। दिन में ही वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं और भत्ता वसूल करने का काम भी है, और अगवा बुराए तावान भी है, और सियासी लोगों के नज़रियात बदलना भी काम करते हैं ये डाकू। इन सब में जो सबसे पॉपुलर डाकू हैं वो हैं स्ट्रीट क्राइम वाले, क्योंकि ये बड़ा कैश का काम है, कोई इसमें उधार नहीं है, हाथों हाथ सारा काम हो जाता है, और सहूलत ये है कि इनको असला भी किराए में मिल जाता है, और इंतजामिया भी कोई इनकी तरफ से खास तवज्जो नहीं करती। वो लोग या कोई एक आध पकड़ लेते हैं तो मार देते हैं उसको, बाकी तो सारे कामयाबी से अपने ये धंधा कर रहे हैं कहने में। तो ये तो कड़वे डाकू हैं। अब मीठे डाकुओं का आप देखें, मीठे डाकू जो हैं ये हैं जखीरांदोज और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, मिलावट करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, मंशियात के काम करने वाले, और जो भी माफिया है हमारे मुल्क में, टैंकर माफिया, ये माफिया, ये सब डाकू हैं, लेकिन ये मीठे डाकू हैं। ये आपको जबा करते रहते हैं, आपको हर तरह नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन मजे की बात है कि ये आपको पता भी चलता है, हो सकता है बाज़ औक़ात आपके साथ ही बैठे हों ये। तो ये मीठे डाकू हैं, इनके बारे में कोई हम किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि भाई ये कैसा बंदा है, क्योंकि वो सारे काम जो है वो अंडरग्राउंड कर रहे होते हैं, ऊपर से मीठे बने होते हैं, और गरीब घोड़ा हमदर्द होते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी ये हैं कहना है, हर सियासी जमात में बल्कि हैं ये कहना है, और वहाँ से भी फ़ायदा उठाते हैं, वो भी एक इलीगल काम वहाँ भी करते हैं कहना है, और इसलिए वो जमातों का सहारा लेते हैं ताकि उनको कोई पकड़ने वाला ना हो कहना है। और हमारी इंतजामिया भी कोई ख़ास उसमें तवज्जो नहीं देती, क्योंकि वो कई लोग तो उसमें असम्बली में इनके साथ बैठे होते हैं। तो ये दो तरह के डाकू हैं जिन्होंने हमारे माशरे में गड़बड़ कर रखी है, लेकिन जो बड़े डाकू हैं जो रोज़ हमें लूटते हैं, जो 24 घंटे में लूटते हैं, वो हमारे मीठे डाकू हैं, हमें उनका पता ही नहीं है। मज़े की बात ये है कि वो हैं भी हमारे करीब, बाज़ औक़ात तो हमारे नुमाइंदे भी हो जाते हैं। तो ये सब सूरत हाल है, कोई पूछने वाला नहीं कह रहा मैं, और हमारे लोग जो हैं, आम आवाम जो है वो भी किसी बात का बुरा नहीं मनाती कहना मैं, वो जिस हाल में भी है वो खुश है कहना मैं, और कभी उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पर खड़े हैं। वो बेचारे दूसरों के लिए हाथ में या डंडा रखते हैं या पत्थर रखते हैं, ये उनकी पूरी ज़िंदगी का हासिल होता है, डंडा या पत्थर, और उनकी नफरतें जो हैं वो भी जालाना है, और हफ्ते भी जालाना है, उनको कुछ पता नहीं है, बस वो कर रहे हैं कहना मैम। तो ये अपने इधर लगे हुए हैं, वो अपना डाका धनी में लगे हुए हैं, हालत आवाम की ख़राब है, और आवाम अपनी हालत बदलना नहीं चाहते। तो जिस जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलता। तो आप बस लगे रहें जिधर लगे हुए हैं, आप पिछले कई सालों से 30-40 साल से 50 साल से भी काम कर रहे हैं, और ये काम करते रहे कहना मैं, क्योंकि आप आपकी घुटी में खाली बैठ गया, आपने अपने मसाइल पे कभी बात नहीं करनी, बस लोगों के मसले हल करते रहें और उन्हें उलझे रहे हैं। तो डाकू अपने खुशहाल हैं और आवाम बदहाल है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ एक शेर कह देता हूँ,
बना गुलाब तो कांटे चबो गया एक शख्स, रहा चराग तो घर को जला गया एक शख्स। तो हमारी हालत दोनों सूरतों में यही है, हम गुलाब बने या चराग बने, हमारा काम सिर्फ अपने घर को ही जलाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। इस छोटे से पैगाम के साथ इसको जरा गौर करिएगा मेरी बातों को, और शायद कोई बात अच्छी हो इसमें, और अगर आपको पसंद आए तो फिर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा, और एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।